सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात किसी को भी स्टार बनाने की ताकत रखता है। इसकी ताकत और पहुंच ही कुछ ऐसी है। कुछ ऐसा ही नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री तेनजिन इम्ना अलोम के साथ हुआ। तेनजिन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका एक कार्यक्रम में हिंदी में दिया भाषण उन्हें पूरे देश में चर्चा का विषय बना देगा। देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। दो दिन पहले तक उत्तर भारत में गिने चुने लोग होंगे जो तेनजिन को जानते होंगे। बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। लेकिन हिंदी में उनके भाषण और चुटीले अंदाज के बाद देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। तेनजिन भी समझ गए कि ब्रांडिंग का इससे अच्छा कोई मौका ही नहीं हो सकता। सोशल मीडिया में उनकी हाजुर जवाबी ने लाखों लोगों को उनका फैन बना दिया। यही कारण है कि लोग नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेनजिन की पर्सनल लाइफ को लेकर गूगल पर सर्च कर रहे हैं। दरअसल लोग तेनजिन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि तेनजिन की शादी हुई है या नहीं, या उनकी पत्नी कौन है। अब जब गूगल के सर्च पर तेनजिन की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत एक और मजेदार ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आई ला गूगल ने तो मुझे खुश कर दिया, मैं तो अभी भी ढूंढ रहा हूँ। अब तेनजिन के इस ट्वीट पर शादी.com के अनुपम मित्तल एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने ट्वीट कर उनकी मदद करने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी साइट शादी.com को भी टैग कर दिया। जैसे ही तेनजिन की इस पर नजर पड़ी, उन्होंने एक बार फिर अपने जवाब से सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। तेनजिन ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का जिक्र करते हुए लिखा कि भाई फिलहाल हम बिंदास हैं, अब सलमान खान की शादी का इंतजार है। इस पर फिर मित्तल ने जवाब दिया कि ये बहुत लंबा इंतजार हो सकता है, लेकिन आपका शादी.com और मुझे इंतजार रहेगा। इससे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर बढ़ती जनसंख्या को लेकर तेनजिन का ट्वीट भी खूब वायरल हुआ। अपने ट्वीट में तेनजिन ने लिखा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर बढ़ती जनसंख्या को लेकर हमें और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए और बच्चे पैदा करने के दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो मेरी तरह सिंगल रहना चाहिए। हम साथ मिलकर सभी को अच्छा भविष्य देंगे। आप साथ आएं और मेरे साथ सिंगल रहने वाले आंदोलन में जुड़ जाएं। तेनजिन के इस ट्वीट पर पूर्वोत्तर से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि नागालैंड के शिक्षा मंत्री तेनजिन वास्तव में शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे केवल अपने ग्रुप की संख्या बढ़ाने का इरादा रखते हैं।